OnePlus 9 Pro नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पे नेटवर्क बिल्कुल कम पकड़ रहा है, या फिर नेटवर्क बिल्कुल है ही नहीं है, या फिर नेटवर्क के रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का इश्यूज हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। मैं आपको कॉम्प्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, नेटवर्क के रिलेटेड आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर नेटवर्क के रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको मोबाइल रिस्टार्ट करके अपने नेटवर्क को चेक करना है। सिम कार्ड को इजेक्ट और इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है। इससे भी नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। अब अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग, वाईफाई नेटवर्क, एंड यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं अपने एयरप्लेन मोड को। करीब एक मिनट के बाद आप इसको डिसेबल करेंगे और उसके बाद चेक करके देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो जाइए सिम एंड नेटवर्क, नेटवर्क को स्विच करें बिटवीन 4G 3G 2G, जहाँ पर भी नेटवर्क पकड़ रहा है उसमें स्विच कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आप अपने सिम को ओपन करेंगे और यहाँ पे अपने वॉल्ट इनेबल कर लीजिएगा। वाईफाई कॉलिंग वगैरह बंद करके रखिए मोबाइल पे। एक्सेस पॉइंट को रिसेट कीजिए। उसके लिए आपको थ्री डॉट्स में क्लिक करना है, रिसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हुए रिसेट कर देना है। रिसेट करने के बाद चेक करके देखें, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम बाय एनी चांस। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों, नेटवर्क ऑपरेटर पर जाइए, चूज़ ऑटोमेटिक मोड को बंद कर दीजिए। ब्लू बटन को बंद करके आपको मैनुअल नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि दोस्तों आप ऑलरेडी मैनुअल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक नेटवर्क यूज़ कीजिएगा। तो ये आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं एंड देन चेकआउट करके देखिए, मोबाइल को रिस्टार्ट करके सॉल्व हो जाएगा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम बाय एनी चांस। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नेटवर्क सेटिंग को रिसेट कीजिए। उसके लिए स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना है, सिस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद रिसेट ऑप्शन पर जाके रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद सिम सेलेक्ट करते हुए रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है, मोबाइल पैटर्न भर देना है और उसके बाद आपका नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो जाएगा। एंड देन चेकआउट करके देखें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपका अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेक श्योर आप सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम अपडेट नहीं रहेगा तो नेटवर्क अच्छे से कैच नहीं कर पाते मोबाइल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के साथ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।